चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 8 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके विषय में जो है इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था। अब उसके आगे जो है, अच्छा ये भी बताया था कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर को भी कितने भागों में डिवाइड किया, ये भी बता दिया था। अब डिजिटल कंप्यूटर के ही एक ही पार्ट है जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, इसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को समझिए, अच्छे से समझिए। और इसमें से पहले तो मैं क्वेश्चन लिख के भेजूंगा, इसमें से आपको क्वेश्चन छांटना है, ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद में मैं फेयर पर खुद लिखवाऊँगा, मैं खुद क्वेश्चन जो है लिख के फेयर पर वो सेंड करूंगा ग्रुप पे, आप उसको फेयर पे नोट कर लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन जो है छाटना आना चाहिए, क्वेश्चन बनाइए, बनाना भी आना चाहिए और छाटना भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो का मतलब हो गया एक छोटा या सूक्ष्म। माइक्रो का जो मतलब होता है बहुत ही छोटा या सूक्ष्म होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका अर्थ है छोटा या सूक्ष्म। अतः यह कंप्यूटर छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। और इस कंप्यूटर का, इन कंप्यूटरों का जो विकास हुआ था 1970 में हुआ था। कंप्यूटर आने चिप, यानी चिप के बेस पे हुआ था, समझा गया, के सिद्धांत के आधार पर हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर से युक्त होने के कारण इन्हें एक माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। कहने का मतलब कि द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल सो डैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। यानी ये इनका प्रोसेसर इतना स्मॉल होता है कि इनको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और जो ये डिवाइस होती है इस डिवाइस को भी हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो यूज हो गया वो अधिकतर संस्थानों, दफ्तरों, कार्यालय, घरों में किया जाता है, ठीक। तो यह एक सीधा सिद्धांत, एक पॉइंट में नीचे लिख लेना कि यह जो सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है, यह एक सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। क्योंकि इसका जो विकास हुआ था कंप्यूटर ऑन एक चिप के ही सिद्धांत पे हुआ था, समझा गया। तो इसमें जो ALU है और जो CPU है, ठीक, वो एक ही चिप में लगे होते हैं, समझा गया। तो इसके आगे है माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर के भी प्रकार हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं। देखो, एक होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, भाई एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक। दूसरा हो गया हमारा लैपटॉप हो गया, वो भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है, ठीक। तीसरा हो गया पाम टॉप हो गया, ठीक है, इसके विषय में बताएंगे आगे। चौथा जो हो गया हमारा पर्सनल होम कंप्यूटर हो गया, और पांचवा जो हो गया हमारा एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर, समझा गया। तो कितने माइक्रो कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, नंबर एक हो गया पर्सनल कंप्यूटर, नंबर दो हो गया लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा हो गया पाम टॉप कंप्यूटर, चौथा हो गया पर्सनल होम कंप्यूटर, और पांचवा जो हो गया हमारा एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर, समझा गया। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम है PC, क्या है PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इसमें अन्य कंप्यूटरों की तरह बड़ी इनपुट व आउटपुट डिवाइस प्रयोग नहीं की जाती हैं। इनकी डाटा की संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी स्टोरेज जो होती है वो कम होती है, इसे बिजली से चलाया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर के भी कई प्रकार हैं, ठीक है, जैसे एक आपका PC पर्सनल कंप्यूटर, ठीक, एक P पर्सनल कंप्यूटर एक्स टेंडेड टेक्नोलॉजी है, एक पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, समझा गया। तो इस पर्सनल कंप्यूटर को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझिए कि माइक्रो कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर क्या है और माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक, समझा गया। और लैपटॉप जैसे हो गया, लैपटॉप को भी आप लोग सभी जानते हैं, या लैपटॉप या लाने जाने में सुविधाजनक होता। अच्छा, इसका आकार छोटा कर दिया गया है। पहले जो पर्सनल कंप्यूटर जो था घर में एक स्थिति रहता था, बिल्कुल स्थिर, उसको कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बाद में
लैपटॉप आ गया हमारा, ये लाने जाने में भी सुविधाजनक होता है, आकार में छोटा रहता है, अपने बैग में रख लीजिए, कहीं भी कार्य कर लो, ठीक है। इसमें डिस्प्ले यूनिट के स्थान पर LED लगी होती है, समझे। तो डिस्प्ले ये की रंगीन डिस्प्ले यूनिट ही होती है, यह एक बैटरी की सहायता से कार्य करता है, मतलब बैटरी लगी होती है उसकी सहायता से कार्य करता है, और पर्सनल कंप्यूटर को हम लाइट के द्वारा चलाते हैं, समझे। अच्छा, पाम टॉप कंप्यूटर क्या आता है, प्रौद्योगिकी के विकास ने कंप्यूटरों का आकार छोटा व सुविधाजनक कर दिया, मतलब और उससे और छोटा आ गया भाई। इस दिशा में पाम टॉप कंप्यूटरों का विकास किया गया है, ये अत्यंत छोटे परंतु विभिन्न कार्यों जैसे संदेश भेजना तथा प्राप्त करना, डाटा का स्टोरेज करना आदि में पूर्णतः सक्षम होते हैं, ये भी बैटरी की सहायता से कार्य करते हैं। तो ना जैसे लैपटॉप आपका होता है बैटरी की सहायता से कार्य करता है, वैसे ही ये भी जो पाम टॉप कंप्यूटर है वो भी हमारे बैटरी की सहायता से कार्य करते हैं। इसका आकार लगभग एक बड़े कैलकुलेटर के समान, मतलब लैपटॉप से भी इसको छोटा कर दिया गया ना, समझे, लैपटॉप से भी इसको छोटा कर दिया गया, ठीक। आगे नंबर 4 जो इसका पार्ट है वो पर्सनल होम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा ये निर्मित किया होगा, इसमें वीडियो गेम भी खेले जाते हैं, समझे। ये पर्सनल होम कंप्यूटर मतलब ये उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है जिससे वह खुद बनाया गया हो, ठीक है। 5वां है एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होता है शैक्षिक संस्थानों में कार्य में लाए जाते हैं, ये कीमत में सस्ते होते हैं, ठीक, ये सस्ते होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण इंटेल 80 हो गया, 286 और 8486, ठीक है, आदि ये सब इस प्रकार के कंप्यूटर हो गए। तो ये हमारे जो भाग थे ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार थे, ठीक है। तो अब इनके बारे में समझिए और सुनिए, और इस पर जो है मैं क्वेश्चन बना के भेजूँगा, उसमें से क्वेश्चन आपको चाटना है और ग्रुप पर सेंड करना है। बाकी जो फेयर है वो फेयर हम आपको लिखवा दी जाएगी, ठीक। थैंक यू।